करता है बेटा, क्या सुख देता है बेटा। एक बार बेटी अपने बाप की करुण पुकार को, ध्यान रखना, बेटी अपने बाप की करुण पुकार को, ध्यान रखना, एक बार सुनती है और पिता पर कोई आपत्ति आए, बेटी बाप का बहुत ख्याल रखती है। बेटा सुने ना सुने ये बाद की बात है, लेकिन बेटी बाप की पुकार को जरूर सुनती है, ध्यान रखना। मैं एक बात आपको बता रही, इस बात पर भरोसा करना, ये बिल्कुल सत्य बात है। आप अपने जीवन में उतार के सोचना, विचार करना कि ये सत्य है कि नहीं है। देखो जून का महीना हो, मई का महीना हो, गर्मी का, और आप अपने घर से बाहर चारपाई डाल लेना एक वृक्ष के नीचे, और आप सोने के लिए वहां जा रहे हैं, एक वृक्ष के नीचे चारपाई डाली और बूढ़े पिता ने अपने बेटा से कही, बेटा एक काम करो, क्या अब हम बूढ़े हैं, मेरा शरीर वृद्ध है, चल बेटा मेरे पास सो जा, शायद रात में किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ जाए, कोई दिक्कत हो जाए, बेटा मेरे पास सो जा। पहले तो बेटा सोने वाला था नहीं, जब ज्यादा बाप ने कहा तो बेटा किसी कारण से कैसे भी मन बना के सो गया, और जब सो गया तो बेटी कहां सो रही है, घर के अंदर, और बेटा कहां है, पिता के पास। रात्रि के ठीक 12 बजे उस बाप को प्यास लगी, ध्यान देना, बाप को प्यास लगी तो बाप ने बेटा से कही, बेटा अरे बेटा जागो, बेटा पहले तो जागा नहीं, जबरदस्ती हिला डुला के जगाया भी, और जब जगाया भी तो एकदम से डायरेक्ट ही बोला, क्या बात है, ये लफ्ज है बेटा का, क्या बात है, नींद नहीं आ रही। पिता ने कहा, बेटा बड़ी जोर से प्यास लगी, एक गिलास पानी ले आ, प्यास लग रही है, पानी पिला दो। सो बेटा लाल आंखें करके बोला, अरे सारी रात नींद नहीं तुमको आती है, कल से मैं तुम्हारे पास नहीं सोने वाला है, ना सोते हो ना सोने देते हो, क्या तमाशा बना रखा तुमने, पानी पानी रात में, रात को भी चैन नहीं है। देखिए बाप प्यासा है और बेटा एक लोटा जल नहीं दे सकता है, इसको बेटा कहोगे, ध्यान रखना। और मेरे बंधुओं बेटी कहां है, घर के अंदर है। अरे धिक्कार ऐसे बेटाओं को जो जीवित पर बूढ़ा बाप पानी के लिए तड़प रहा है और बेटा ने धिक्कार कर दिया, मना कर दिया, बोले ना मैं पानी नहीं ला पाऊंगा, सो जा, मैं कल से तुम्हारे पास ही नहीं रुकूंगा। बताइए, जीत बाप संग दंगम दंगा और मरे बाप पहुंचावे गंगा। मरने के बाद श्राद्ध कर रहे हो, मरने के बाद अस्थियां सिरा रहे हो, अरे जब तक आत्मा शरीर में रही और जब तक बाप जिंदा रहा तब दो लोटा पानी नहीं दे सके, दो रोटियां नहीं दे सके, अब मरने के बाद हड्डियां खूब ले जाओ गंगा में, ध्यान देना। और मेरे बंधुओं जिंदा पर माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हो, एक लोटा पानी नहीं दे सकते हैं, धन्य ऐसे पुत्र है। और बेटी अंदर सो रही थी, ध्यान देना, बेटी अंदर सो रही, बेटी ने सुना मेरे पिताजी को प्यास लगी है, मेरे पिताजी पानी मांग रहे हैं और भैया ने इनकार कर दिया है। अब पिता ने बेटी से नहीं कहा कि बेटी मेरे लिए पानी लेके आओ, बाप ने बेटी से नहीं कहा, लेकिन बेटी अंदर थी घर में और उसने सुन लिया कि मेरा पिता प्यासा है, उसने तुरंत, ध्यान रखना, बेटी रात्रि के 12 बजे लोटा भर के पानी बाप के पास ले जाती है कि नहीं, बताओ ले जाती है कि नहीं। बेटी पिता के पास गई और अपने पिता को जाकर के एक लोटा जल दिया, पिताश्री आप प्यासे हैं, आप पानी पी लीजिए। मेरे सज्जन ध्यान रखना, इतना फर्क है बेटी में और बेटा में। पिता को जाकर पानी पिलाया, बेटी जीवित ही सेवा करती है और बेटी जिंदा पर सेवा करती है, बाप का ख्याल रखती है। और इतना नहीं, कोई भी सास अपनी बहू को कष्ट देना चाहे
तो जब बेटी ससुराल में होती है ना, और उसकी सास केवल उसके बाप को गालियां देने लगे, ध्यान रखना, बेटी को वैसे दुख ना हो, सारे कष्ट सहन कर सकती है, और जब सास उसके बाप को गाली देती है, अरे तेरा वो हरामी बाप, तेरा ऐसा बाप, तेरे बाप ने क्या दिया है मुझे, तेरे बाप ने मेरा घर बर्बाद कर दिया है, तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप ऐसा है, ध्यान रखना, एक बेटी अपने बाप के अपमान को बर्दाश्त नहीं करती है, और सासू मां से कहती है, मैया तू हमें मार ले, तू चाहे जो कर ले, लेकिन मेरे गरीब बाप को गालियां मत दे मां, मेरे बाप ने मेरे कैसे शादी की है मां, कहां कहां से कर्ज लेकर आया, अभी उसने अपनी सर का कर्जा भी नहीं अदा कर पाया है, मेरे बाप ने कैसे इस घर की सारी दहली की धूल समेट ली, मेरा बाप गरीब है, मेरे बूढ़े बाप को गाली मत दो मां। और ये सत्य है, जब तक बेटी का बाप जिंदा है तब तक बेटी का मायका है, और जिस दिन बेटी का बाप मर गया उस दिन बेटी का मायका मायका नहीं रहता है, ध्यान देना, क्योंकि पिता की मृत्यु हो जाए बेटी बहुत दूर से रोती हुई आती है और दहली पर जाके सर पटक देती है, बोले अभी तक ये मेरा घर था, अभी मैं अधिकार पूर्वक जीती थी कि मेरे बाप का घर है, अगर भैया भाभी कुछ बोलना भी चाहें तो बेटी शान से जी रही थी, क्यों, मेरे बाप का घर है ना, और आज जब बाप की मृत्यु हो गई तो बेटी कहती है आज से ये मेरे लिए तहरी पराई हो गई, क्योंकि माँ तो भाइयों की बंदिश में है, वो बेचारी क्या करे, माँ भाइयों के बंदिश में है, और बेटी फूट फूट के रोती है कि बोले पिता आज से मैंने जान लिया कि मेरा मायका खत्म हो गया, ध्यान रखना, ससुराल में रहकर भी फोन करती है, मैया ये बताओ पिताजी ने भोजन कर लिया, पिताजी ठीक है, भैया ठीक है, माँ आप ठीक हो, घर में अपनी ससुराल में बैठ के खबर रखती है, और बेटा तुमसे कितनी बार पूछता है, सच बताना, अपने अपने हृदय पे हाथ रख के, तुम्हारा बेटा तुम्हें कितनी बार पूछता है कि पिताजी तुम ठीक हो, पिताजी तुम कोई दिक्कत तो नहीं, कोई जरूरत तो नहीं है, कितनी बार बेटा पूछता है आपको बताइए मुझे, अरे बेटी तो तुम्हें जीवित रहने पर पानी देती है, बेटी जिंदा पर बाप की सेवा करती है, और बेटा मरने के बाद पानी देता है, ये फर्क है, ध्यान रखना। एक सज्जन कह रहे, अरे महाराज जी, बोले बेटा तो बहुत जरूरी होता है, बेटा बहुत जरूरी होता है, मैंने कहा बेटी, बोले बेटी तो पराए घर की होती है, अरे बेटी हो जाएगी पराए घर चली जाएगी, दूसरे का कुल खानदान संभालेगी, मेरा क्या संभालेगी, मेरा नाम तो चलना नहीं, मेरा नाम तो बेटा से ही तो चलना है, मेरा नाम बेटा करेगा, ध्यान रखना, सत्य बात कही है, अरे तू मरेगा जब तेरी त्रियोदशी भी नहीं हो पाएगी, त्रियोदशी बाद में होगी, और बेटा तहसील में पहले पहुंच जाएगा, और जाकर के वकील साहब से कह देगा, भैया बोले हाँ, बोले बाप का नाम खत्म करिए और मेरा नाम दर्ज करिए, सत्य बात है कि नहीं है, बोलो, बेटा कह देगा कि बाप का नाम खत्म करो और मेरा नाम लिख लो, क्यों, बोले अब ये तो खत्म हो, इनका तो काम खत्म, तो अब बताइए बेटा ने नाम चलाया कि कटाया, बताओ, गलत हो तो आप समझ लो, सही है कि नहीं है मेरे बंधुओं, और फिर भी हम कहते हैं हाँ बेटा जरूरी है, हम मानते हैं, लेकिन कभी बेटियों से घृणा मत करना, बेटा यदि जरूरी है तो उससे कई ज्यादा बेटी की आवश्यकता होती है, अरे जब बेटा घर में आता है तो थालियां बजती हैं, तसले बजते हैं, लड्डू बजते हैं, और घर में ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, और ये सत्य है, जब बेटा आता तो दुनिया बजवाती है, और बेटा जब पैदा होता है ना तो ढोल बज ही जाते हैं, शादी होगी बहू आएगी तो ढोल बजे ही धरे, क्यों, बात सत्य है कि नहीं है, ढोल बजे ही धरे, तुम्हें सेवा नहीं होनी है, इस चक्कर में मत रहना, बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, बहुत कम ऐसे भाई हैं जो सच में अपने माता पिता की सेवा करते हैं,
तो मेरे सज्जनों, और बेटा घर में आए तो खुश हो वो, और बेटी जब आए तो ज्यादा खुश। कभी ये मत सोचना मेरी बेटियां बहुत हो गई, बहुत से लोग इसी गलती में रहते हैं, अरे बेटी बेटी बेटी। ध्यान रखना बंधुओं, क्योंकि एक बार बेटा एक, मैंने कहा था ना, बेटा एक कुल को तारता है और बेटी तीन कुल का नाम रोशन करती है। बेटी के तीन रूप होते हैं, कुवारी, नारी और महतारी। जब सुशील बेटी होती है, बाप के घर रहती है, तो अपने पिता का सर ऊंचा करती है, अरे भैया बेटी तो फलाने की है, बेटी क्या देवी है, देवी। बाप का नाम रोशन होता कि नहीं? बात अच्छी लगी तो एक बार ताली बजाओ जरा, ये तो तुम्हें अपने आप बजानी चाहिए। बोल गोविंद भगवान की है मेरे भगवत प्रेमियों। बाप का नाम रोशन करती है, और जब ससुराल में जाती है, सास ससुर के बीच रहती, पति की सेवा करती, पति का सर ऊंचा करती, बड़ी पतिव्रता नारी है भैया, बड़ी अच्छी है। और जब वो बच्चों को जन्म देती है, बच्चों का भरण पोषण करती है, अरे भैया अम्मा तो फलाने की है, बड़ी अच्छी है। महतारी बन के भी नाम करती है। तो बेटी तीन कुल को तारती है और बेटा केवल एक कुल को तारता है। और मैं एक बात और बता दें, आज जो साधक संत महापुरुष आप जैसे महान जनों को जन्म देने की यदि कृपा करती है, हमारी माताओं की सच में कृपा है, ये बहुत करती। आज जो संत भी पैदा किए हैं, क्योंकि एक बार पिता अधर्म पर चल सकता है, पिता